वेलकम बैक टू स्टॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। तो आज आप हम टाटा पावर कंपनी यानी कि टाटा पावर स्टॉक के बारे में बात करने वाले और लेटेस्ट अपडेट भी यहाँ पे देखने वाले। तो टाटा पावर स्टॉक की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फ्राइडे के दिन 223.20 पे यहाँ पे क्लोजिंग दे चुका था टाटा पावर स्टॉक, यानी कि 4.85 पैसे अब क्लोजिंग दी थी, तकरीबन 2% तक रैली भी कर चुका था। मीन्स यहाँ पे आप देख सकते हैं आने वाले वीक में कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट रह सकते हैं टाटा पावर स्टॉक के लिए, मीन्स कहाँ पे ज़्यादा चांसेस है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेने के लिए, वो लेवल्स भी हम लोग यहाँ पे चेक करने वाले। तो टाटा पावर स्टॉक यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1.89% अब था यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखा जाए तो फ्राइडे के दिन में तो गैप अप से ऊपर ओपन होता और ऊपर यहाँ पे आप देख सकते पूरे एक अच्छी मूवमेंट की थी, पर ऊपर से फिर से डे एंडिंग में यहाँ पे आप देख सकते अच्छी मूवमेंट जहाँ पे जमी थी वहीं से गिरावट देखने को मिली और तकरीबन प्रीवियस क्लोजिंग के ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग दे चुका था। मीन्स यहाँ पे मार्केट कैप है 71,000 करोड़ का, पी रेशियो जो है 40.91 और डिविडेंड यील्ड 0.78% का। पिछले 5 दिनों में यहाँ पे आप देख सकते बहुत से चौपी मूवमेंट देखने को मिले, पर लास्ट 1 मंथ में यहाँ पे 13.45% की गिरावट देखने को मिले टाटा पावर स्टॉक में। चार्ट एनालिसिस पे भी नजर डाली जाए तो रिसेंटली चार्ट एनालिसिस भी देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे सपोर्ट 1 जो है वो तकरीबन यहाँ पे 220 के करीब है, सपोर्ट 1 को ब्रेक करता है टाटा पावर स्टॉक तो इजीली यहाँ पे 210 के तक जा सकता है, जहाँ पे 200 मूविंग एवरेज पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल वही तक जा सकता है और यहाँ से ऊपर जाता है तो तकरीबन 240 लेवल तक जाने के चांसेस दिखाई दे रहे आने वाले वीक में टाटा पावर स्टॉक के लिए। तो ये थे लेटेस्ट अपडेट टाटा पावर स्टॉक के लिए।